हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी 2.0 में। इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आज के सारे क्वेश्चन रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड होंगे, जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र इस टॉपिक से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा सभी, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। जो भी फ्रेंड्स चैनल में पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सभी को मेरी रिक्वेस्ट है सभी लाइक कर देना वीडियो को, सभी साथी अपना एक लाइक जरूर कर देना। देख लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, रक्त समूह की खोज किसने की थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा कार्ल लैंडस्टीनर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। सभी याद रखिएगा, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी, और कब की थी तो 1900 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साथियों, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा, हेमेटोलॉजी। सभी याद रखिएगा, यदि हम बात करें यहाँ पर हिस्टोलॉजी की, तो उत्तकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है, इस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपको बताना है वो कौन सा प्रोटीन है जिसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हिपेरिन। तो सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, हिपेरिन इज द करेक्ट आंसर। जबकि शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनना चाहिए, इसके लिए उत्तरदायी होता है हिपेरिन। लेकिन शरीर के बाहर जब हमें कुछ कट लग जाता है, तो शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमना आवश्यक होता है। वहाँ पर कौन कार्य करता है, तो विटामिन के, विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा हमारा मोनोसाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा, मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, ईयर्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो साथियों, ईयर्स के विषाणु जो है वह नष्ट कर देते हैं बसोफिल को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा, बसोफिल। सभी याद रखिएगा, यदि हम बात करें यहाँ पर ईयर्स की, तो ईयर्स के उपचार में एलिजा टेस्ट की जाती है, और कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है, तो एंटी रेट्रोवायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 55%। सभी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 55% यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। तो साथियों, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, रक्त। ऑप्शन नंबर बी सभी याद रखिएगा, प्राकृतिक कोलाइड है रक्त, जो कि एक संयोजी उत्तक की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट है, रिस्परिन का प्रयोग किस में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, रिस्परिन का उपयोग किस में किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिएगा, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है रिस्परिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, ध्वनि का परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी सभी याद रखिएगा, यहाँ पर ध्वनि का परावर्तन। और स्टेथोस्कोप की खोज किसने करी थी, तो लेनिन ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टेन है, हृदय की मरमर या फुसफुसाहट निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय की मरमर या फुसफुसाहट निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, चेवन वालो, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स में, तो सभी याद रखिएगा, चेवन वालो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। सरल क्वेश्चन है, सभी आंसर करना है यहाँ पर, रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, गाउट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। सभी याद रखिएगा, गाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ट्वेल्व है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आएगा, सी एन बर्नार्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। सभी याद रखिएगा, सी एन बर्नार्ड। और सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था, तो साउथ अफ्रीका के केपटाउन सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 13 है, धमनियों और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, धमनियों और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा एंजियोलॉजी। सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजियोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन 14 है, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? सरल क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या आएगा साथियों? यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 7 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। सभी याद रखिएगा 7 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, रक्त का थक्का बनाने में कौन से विटामिन सहायता करते हैं? रक्त का थक्का बनाने में कौन से विटामिन सहायक होते हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने अभी आपको बताया था विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, सबसे बड़ी RBC लाल रक्त कणिकाएँ किस में होती है? आपको बताना है रेड ब्लड सेल्स सबसे बड़ी कणिकाएँ किस में होती है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा 16 के लिए करेक्ट आंसर आएगा मेंढक। सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? सरल क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। सभी ध्यान दीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। सभी याद रखिएगा यहाँ पर, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात क्या होता है? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सभी याद रखिएगा 600:1, ऑप्शन नंबर बी सभी को याद रखना है, 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएँ की जब रक्त के अंदर श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा कम हो जाए, ऐसी स्थिति में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब रक्त के अंदर श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ल्यूकोपिनिया, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। सभी याद रखिएगा यहाँ पर ल्यूकोपिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः कितना होता है? आपको बताना है मानव रुधिर प्रणाली में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी याद रखिएगा 180 से लेकर 200 mg बटा 100 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। सभी याद रखिएगा 180 से लेकर 200 mg बटा 100 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन 21, मानव रक्त में पाया जाने वाला RH फैक्टर किसका एक प्रकार है? मानव रक्त में पाया जाने वाला RH फैक्टर किसका एक प्रकार है? तो एंटीजन का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा, एंटीजन। सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आएगा बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। सभी याद रखिएगा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 है, रुधिर निर्माण क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, रुधिर निर्माण क्या कहलाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आना है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी सभी याद रखिएगा, हीमोपाइसिस, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है सभी को, हीमोपाइसिस यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा हमारा 34%, ऑप्शन नंबर बी सभी याद रखेगा 34%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आए, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा, AB रक्त समूह जो है उसमें एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। यदि हम बात करें एंटीबॉडी की तो किस में पाई जाती है? तो रुधिर ओ में पाई जाती है एंटीबॉडी, तो सभी याद रखिएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन के साथ आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है, और ये है आपके लिए आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, हृदय में शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय में शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। उम्मीद करूँगी सभी साथी सरल करेक्ट आंसर बताएंगे, और साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।